दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे और इस समय में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए INBCN के स्टूडियो में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आशीष मनोहरराव उरकुड़े साहब। डॉक्टर आशीष मनोहरराव जी उरकुड़े साहब, हम आपका स्वागत करते हैं खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। दर्शकों, मैं डॉक्टर उरकुड़े साहब के बारे में बता दूँ कि डॉक्टर साहब आपने बीटेक, एमटेक, एमबीए और मैनेजमेंट में आपने पीएचडी की है और 2004 से लेकर 2015 तक आप 3 यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं। भारत के तमाम लोगों तक आप सारी वेलफेयर योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर के साथ साथ शासन प्रशासन द्वारा लोकतांत्रिक कामकाजों को लेकर सतत विकास लक्ष्य पर अमल कैसे किया जाएगा, इस बात को लेकर भारतवर्ष में सॉल्यूशन मास्टर इस किताब के माध्यम से आप अब तक के 15 करोड़ लोगों तक आप पहुंच चुके हो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि डॉक्टर उरकुड़े साहब इनकी है। और डॉक्टर साहब के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से 15 करोड़ लोगों तक डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, जिसमें 177 देशों का समावेश भी किया है, ये तमाम विश्व में इनका भ्रमण हुआ है और मूल निवासी नागपुर के हैं और नागपुर की ये आन बान शान कहे जाने वाले डॉक्टर आशीष उरकुड़े साहब से आइए हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिरकार सॉल्यूशन मास्टर जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। डॉक्टर साहब, दर्शकों तक तो हमने आपके बारे में प्रोफाइल के माध्यम से लगभग सभी जानकारी दी है। मेरा पहला सवाल ये होता है आपसे आशीष जी, सॉल्यूशन मास्टर इस किताब की जो प्रेरणा आपको मिली वो कहाँ से मिली थी? धन्यवाद। सॉल्यूशन मास्टर ये जो किताब है उसका अगर हम शुरुआत देखें तो 1979 में जब विश्व बालक वर्ष था तब से होती है। एक बार मेरी मम्मी सोमलर में टीचर थी, मिडिल स्कूल टीचर, तो मुझे प्राइमरी स्कूल में लेने आई थी क्योंकि छुट्टी हुई थी और हम लोगों ने आफ्टर जो प्रेयर होती है उसके बाद में 1979 विश्व बालक वर्ष ऐसे हम चिल्लाए थे। तो मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी ये विश्व बालक वर्ष कौन ठहराता है? तब मेरी मम्मी ने बताया था कि ये यूनाइटेड नेशंस से वो डिसाइड करती है। तो मुझे तब लगा था कि यूनाइटेड नेशंस सारी दुनिया को गवर्न करती है और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सारे देशों के वो यानी वो फॉलो करते हैं। तो उस समय जैसे जो सवाल बचपन में उठते हैं, मम्मी क्या वो इतने बड़े बड़े लोग चोरी कैसे करते, हम तो यहाँ पे केवल दूसरे का पेन भी उठा नहीं सकते, ये जो बचपन के जो सवाल है वही सॉल्यूशन मास्टर के तौर पे आ रहे हैं। क्योंकि बाद में पता चला कि जो एथिक्स है, मोरल है, अगर वो वैल्यूज कम हो गई तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो सतत विकास लक्ष्य, वो कभी अचीव ही नहीं होगा। जैसे अभी आप देखिए कि मैं आईआईएम में जब पढ़ रहा था तब मैंने बोल दिया कि मुझे हर जगह भगवान दिखता है और बचपन से दिखता है, तो अगर मुझे मेरे पास अगर ये पेन रहा वो नीचे गिरा तो मैं उठा लूँगा, लेकिन कचरा जो है वो ऐसा मैं चुपके से फेंक के आगे नहीं चला जाऊँगा, क्योंकि वो हमें मॉरल वैल्यूज़ के तरह है कि ये सारी चीज़ें हम लोग बुरी चीज़ें हम कर नहीं सकते। तो क्या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिन लोगों ने ये सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्लान की है, सबका विकास, बाद में सबको एजुकेशन, सबको रोजगार, सबको हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं देना, ये तो 193 देशों ने वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में मिलके सारा प्लान किया। दे जस्ट हैव टू वॉक द टॉक, बोले तैसा चाले तैची वंदा भी पावले, मराठी में कहते कि जो जैसे बोलता है, जैसा वो इम्प्लीमेंट करता है, चलता है, उसी की पावले वंदा मीन्स उसी को प्रणाम किया जाता है भारत देश में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, यही जो चीज थी उसकी प्रेरणा से सॉल्यूशन मास्टर उभरा है। बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि जिस प्रकार से ये तमाम बातें जो इन्होंने प्रकाश डाला है कि सॉल्यूशन मास्टर इस किताब की जो प्रेरणा है उन्हें कहाँ से मिली है, इस बारे में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों की दी। सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि सॉल्यूशन मास्टर इस किताब में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, ये थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, जैसे सतत विकास लक्ष्य है उसमें पहला है कि हंगर नहीं चाहिए, यानी भूखा कोई सोएगा नहीं। एजुकेशन चौथा जो है, एजुकेशन सबको मिलेगा, हॉस्पिटल की फैसिलिटी सबको मिलेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और 169 वहाँ पे टिक मार्क्स है कि ये ऐसे किया तो आप वहाँ तक पहुँचे, ये ऐसे किया तो वहाँ तक पहुँचे, कि ऐसे आप वो कंप्लीट किया ऐसा आता है।
तो मैंने सवाल में पूछते समय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड को पूछा है, बाद में किसी के फूड मिनिस्टर को पूछा है, किसी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सवाल पूछा है, 103 सवाल उसमें लिए हैं और 39 पेजेस का केवल किताब है। ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती है और इसमें इवन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बाकी मुन भी नहीं छूटे, उनको भी मैंने सवाल पूछा था कि जैसे भारत में इतने सारे लेबर्स लोग रहते हैं, आज यहाँ काम करते वहाँ काम करते हैं, तो उनके बच्चे हैं, उनको आधार कार्ड के तौर पर अगर हमको पढ़ा सकते हैं, आज वो नागपुर में है, उनके बच्चे आधार कार्ड बता के वो एक सबसे पास के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में जा सकते हैं, अगर 6 महीने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ दूसरी जगह गए, वहाँ पे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस या ऐसे जगह पे जाके अपना आधार कार्ड बताए जहाँ पे काम करते उससे सबसे पास के एरिया में जाके बच्चों को पढ़ा सके। ये ऐसे सारे जो मैंने कंसल्टेशन जो किए थे उस साल में, उसके कारण 2006 और 2007 में मेरा उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी नाम आया था कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट वी हैड इन एजुकेशन डोमेन, इंक्लूडिंग MBA एजुकेशन अफ्रीका, बाद में बच्चों का एजुकेशन, बाद में हायर एजुकेशन, इस सारे इसमें मैंने उनको कंसल्टेशन किया था। तो वो सारे सवाल उसमें आते हैं और ये सवाल जो है और सवालों में ही जवाब छुपा हुआ है, इसलिए उसका नाम सवाल तो है लेकिन सॉल्यूशन मास्टर नाम है, यानी उत्तर की किताब, बिल्कुल ये सवाल में ही जवाब है। चलो सर, मेरा एक सवाल ये था कि जिस प्रकार से सवाल में ही जवाब और जॉब में भी सवाल आपने ढूंढा है, काफ़ी अच्छी पहल की और आपका जो एक्सपीरियंस जो रहा, अनुभव जो रहा, वो काफ़ी मजबूत रहा है। इसको जोड़ के मेरा एक सवाल ये भी था कि जिस प्रकार से आप पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए हो और भारत के साथ साथ अलग अलग देशों में भी आपने दौरा किया है, क्या करें जो क्या लगता है आपको भारत और अन्य देशों के बारे में, जो वैसी कुछ तुलना होती नहीं है, जब अगर हमने कुछ डिफरेंसेस करना चाहे या कुछ समझना चाहे, तो आपके जो तजुर्बा आपको जो आया है क्या कहना चाहेंगे भारत और अन्य देशों को लेकर? देखिए, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी भारत की वो है आत्मीयता, कि हम लोग एक साथ बैठ के अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने विचारों के आदान प्रदान कर सकते हैं, हम लोगों को इतने सारे विविध धर्म है, विविध खाने की चीज़ें हैं, विविध प्रकार से हम पहनावा भी रखते हैं। लेकिन और एक चीज़ मुझे जो लगी सारी दुनिया में कहीं ना कहीं मानवता अभी भी जिंदा है, पहली बात जी जी, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है पूरी दुनिया में, मैं यहाँ पे बिल्कुल कॉन्क्रीटली कह सकता हूँ कि 80% जनता जो है, जो एम्प्लॉयबल है जी, वो प्रॉपरली एम्प्लॉयड नहीं है। ये मैं यहाँ पे बिल्कुल यानी स्टैम्प पेपर के भी ऊपर भी लिख सकता हूँ, इतना मैं कॉन्क्रीटली कह सकता हूँ। ये US रहो, कनाडा रहो, रशिया रहो, इंग्लैंड में रहो जी, इंडिया जी में रहो, या जो भी हंगेरी, जो भी देशों में मैं गया हूँ वहाँ पे देखा है, और ऐसे बहुत ही कम देश है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बाद में कई जगह पे जैसे जर्मनी में है, वहाँ पे $15,000 पर पर्सन एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है, अपने यहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ पे बहुत कम खर्चा किया जाता है और बहुत कम लोग हायर एजुकेशन ले पाते हैं। तो एजुकेशन का भी बड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर का भी प्रॉब्लम है। तो लेकिन क्या हो गया कि सारे अभी ये जो मोबाइल की जो क्रांति आई है सेलफोन की, उसके बाद में लोग यानी अवेयर हो गए हैं और हर जगह फिर हर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं और हमारा देश कैसे ऊंचा जाए उसके ऊपर बात करते हैं। नाइजीरिया में उन्होंने क्लियरली बात की है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ देखेंगे। आज दुनिया में 5 अरब लोग पढ़े लिखे हैं, कम से कम उनको लिखना पढ़ना आता, ऐसी आबादी पूरी पृथ्वी में आज तक कभी नहीं थी। देखिए 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ गोल्स हैं, वो हमें अचीव करने हैं जी। तो हर कोई उसके ऊपर प्रयास कर रहा है, अगर 20-30 तक नहीं होता है तो कमिंग मिलियन ईयर्स, मेरा एक और एक किताब है MDG और MYDG, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और मिलियन ईयर डेवलपमेंट गोल्स, 10 लाख साल तक हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है, सारी टेक्नोलॉजी है और सारे समविचारी लोगों भी विविध देशों में, केवल भारत में नहीं। तो
ये हम लोग क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ हमें एकजुट मिलकर सब करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके मन में और जहन में आपके मन में क्या क्या आता है और किस प्रकार की उथल पुथल चली थी कि मेरे भारत में ये है? तो मेरे मैं जब अलग अलग देशों का जब दौरा किया तो वहाँ पे वो चीज़ें कुछ नए तरीके से आपको लगी है, क्या उथल पुथल चली थी उस समय में, उस दौर में? देखिए बहुत सारे देशों में देखा, लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। कनाडा में एक दिन मैं वॉलमार्ट में जा रहा था जी, तो एक जगह रास्ते की ऐसी जो कॉर्नर थी वो टूट गई। उनके यहाँ पे हर जगह राइट फ्रॉम एयरपोर्ट टू हॉस्पिटल या टू कहीं भी व्हीलचेयर वाला जो रहता है कहीं भी जा सकता है। वो रास्ता व्हीलचेयर वालों का था और बाजू में 8 और 8 लेन वाला रोड था जी। तो क्या हो गया कि एक 60-65 साल की लेडी आई, उसने देखा कि यहाँ पे टूटा हुआ, अरे ये टूटा हुआ इसका मतलब है कि जो अगर व्हीलचेयर से आएगा गिर जाएगा। वो गिर जाएगा। उसने इमीडिएटली वहीं पे खड़ा रह के 911 कॉल किया और उसने बोला कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई वॉन्ट टू बी गेट इट रिपेयर नाउ। तो वो सारा काम धंधा छोड़ के वहाँ के लोग वो रिपेयर करने आए, उसने रिपेयर करके दिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वो गवर्नेंस में दखल देके उसने वो रिपेयर करके लिया, उसके आजू बाजू में उन्होंने वो सिक्योरिटी फीचर्स लगा और बाद में वो वॉलमार्ट में आए। मैंने उनको नाम पूछा और बोला आंटी जी यू डिड अ ग्रेट जॉब, नो इट्स माय ड्यूटी बॉय, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ इट इज़ माय ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल हु टेक केयर ऑफ अस। आज मैंने ये रिपेयर किया है, कल जाके अगर मैं और बूढ़ी हो जाती हूँ तो कोई ना कोई मेरी तो देखभाल करेगा ही। ये जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिल्कुल प्रशासन में डायरेक्ट दखलअंदाजी, बिल्कुल बहुत अच्छी नई चीज मुझे प्रशासन में डायरेक्ट दखलअंदाजी, ये बहुत ही प्यारा विषय है। और ये जिस प्रकार से डॉक्टर उरकुड़े साहब ने ये बात कही है, इसका सही मायने में कामकाज होना चाहिए। मगर अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे राज्य की बात लेते हैं, हमारे शहरों की बात लेते हैं, कि चाहे फिर वो जो कोलतार की जो सड़कें जो होती है उनका डांबर गिट्टियाँ उखड़ जाती है, इधर उधर फैली रहती है, गड्ढे के ऊपर में गड्ढे के शहर के नाम से नागपुर को भी जाना जा रहा है। तो ये इसका कामकाज प्रशासकीय तौर पे बहुत जल्द होता नहीं है, जितना फास्ट होना चाहिए वो होता नहीं है। इसके लिए उनकी क्या योजना है ये पता नहीं, मगर लेट लती भी होती है और इसका भुगतान जो है इसका खामियाजा शहर के नागरिकों को भुगतना पड़ता है। आज भी मेडिकल अस्पताल में कई ऐसे केसेस है डॉक्टर उरकड़े साहब कि इसके वजह से गड्ढों के वजह से एक्सीडेंट हुए हैं, लोग अपने हाथ पाँव तुड़वा चुके हैं। तो कहाँ कनाडा की वो प्रशासन की जो बात है और कहाँ हमारे भारत की है? तो हमें हमारा सुधार लाना होगा, यही बात। और इस प्रकार की उथल पुथल डॉक्टर उरकुड़े साहब के मन में भी उस देश में जाने के बाद आई और ये आना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब मेरा और भी कुछ सवाल है, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों आप कहीं भी मत जाइएगा, हम लेते एक छोटा सा अंतराल और अंतराल के बाद फिर हम आपसे रूबरू होंगे खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर उरकुड़े साहब। आ गया है आपके मोबाइल पर, बस आपको जाना है प्ले स्टोर में और टाइप कीजिए INBCN और आपको मिल जाएगा INBCN मोबाइल ऐप। इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद विदर्भ की सारी न्यूज आपकी उंगलियों पे, जैसे क्राइम, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, बिजनेस और बॉलीवुड। और एंड्रॉइड की तरह आप भी हो जाइए अपडेट, क्योंकि INBCN ऐप आपको रखे फुल अपडेट। ब्रेक के बाद फिर से एक बार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने अभी भी अपने टीवी सेट शुरू किया उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने विश्व का दौरा करके आए हुए हैं, नागपुर की यह शख्सियत है, नागपुर के रत्न के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ऐसे डॉक्टर उरकुड़े साहब इस समय में। आशीष उरकुड़े जी हमारे साथ खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम पहलुओं पर गौर किया और काफ़ी अच्छे सवाल भी पूछे, सवाल का इन्होंने जवाब भी दिया। ब्रेक के बाद फिर से डॉक्टर साहब हम आपका भी स्वागत करते हैं, दर्शकों आपका भी स्वागत करते हैं। और ये रहा हमारा अगला सवाल। सर ये बताइए कि जिस प्रकार से शहर के अलग अलग स्कूलों में जाने के बाद, क्या आपको लगता है कि शहर के बच्चों को सही मायने में उच्च शिक्षा मिल रही है? भारत के जो बच्चे हैं शहर के और हर प्रांतों के जो बच्चे हैं, हमारे भारतवर्ष से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, क्या उनको उच्च शिक्षा मिल रही है? बच्चों का ग्राफ बढ़ रहा है,
शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए जैसे कि अपने यहाँ पे पल्स पोलियो ड्राइव था जी, इट इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइव इन द वर्ल्ड, या कि 130 करोड़ लोगों के घर में जाके पोलियो ड्रॉप्स देना ये आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई मॉस्क में गया है, कोई चर्च में गया है, कोई मंदिर में गया है, कोई स्कूल में गया है, अरे आज कल का रविवार है ना, वो पोलियो रविवार है, अपने मम्मी को बताना। इस तरीके से जो प्रचार प्रसार की जो यंत्रणाएं जो है, एकजुट होकर जो काम किया है, वैसे ही एजुकेशन फील्ड और हेल्थ केयर और सारी चीज़ों में हो सकता है। क्या हुआ कि मैं ये इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो कहना है कि एजुकेशन टू ऑल इज पॉसिबल, हर घर में जा सकता है एजुकेशन, पहली बात। दूसरी बात, तो इसके लिए मैंने भी बहुत सारे प्रयास किए। हमारे बाजू में जो सारी जो झोपड़पट्टी या कोई भी बस्ती है, वहाँ पे जाके मैंने 10-12 साल पढ़ा है, और वो बच्चे अभी आके बोलते हैं, सर जी मैं अभी ये बन गया, सर जी वो बन गया, बहुत अच्छा लगता है उस समय, इंजीनियर हो गया, पेढ़े लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बार मैं बम्बई में गया था, वहाँ पे कुछ लोगों से मिला, वो बोले कि सर हमारे यहाँ पे भी कुछ एजुकेशन फील्ड में कुछ करके बताइए। मैंने बोला मैं शुरुआत से करना चाहता हूँ, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या किया कि एक हफ्ता तक मैं 58 स्कूलों में गया, 58 जी, उसमें से 52 स्कूलों में पहली से सातवीं तक की स्कूल थी जी, और बाकी के 6 स्कूल 8वीं से 12वीं थे। तो मैंने सरकार को ये प्रपोजल भेजा कि ये 52 स्कूल है, वहाँ पे भी 8वीं से 12वीं लगाइए, 7 से 12 ये स्कूल और 12 से 4 या 5 बजे तक हाई स्कूल बराबर। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे हैं, जैसे रायगढ़ जिला में मैं एक जगह गया था, कौन जाएगा स्कूल में, सर 30 किलोमीटर दूर है स्कूल। ठीक है, ऐसा बोल के उसने 7वीं के बाद स्कूल ही छोड़ दिया, और उसकी मम्मी उस गांव की सरपंच थी, बताओ। तो वो सरपंच बोली कि सर आप इसको कुछ समझाइए। तो फिर मैंने जब पता चला कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, तो सरकार को मैंने सजेशन दिया कि गुजरात में जैसे पास दिए जाते हैं बच्चों को फ्री, 30-30 किलोमीटर तक अहमदाबाद में वो पढ़ने आते हैं फ्री में उनको, तो बच्चों को जो एजुकेशन वाले उनको फ्री पास दे पहली बात, और जो बस की सेवा है वो तो बराबर है, वो बराबर पहुंचा देंगे। ठीक है, लेकिन फिर एजुकेशन के लिए 8वीं से 12वीं और स्कूल भी होनी चाहिए 52 स्कूल में। तो बाद में उनके जो पड़ी हुई स्कूल्स हैं, दीवारें गिरी है, वो भी रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर होती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। दिल्ली में देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल जो है वो अभी बढ़िया हो गया, यानी पब्लिक स्कूल से अच्छी हो गई, यानी प्रयास किया तो पूरे भारतवर्ष में ऐसे क्यों नहीं होता, पूरे दुनिया में क्यों नहीं हो सकता। तो एजुकेशन फील्ड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये तो प्राइमरी हो गया। बाद में मैंने ऐसे देखा है 80% जो टीचर्स हैं उनको पूरा 7th पे कमीशन भी नहीं मिलता है, प्राइमरी रहो, मिडिल स्कूल रहो, हाई स्कूल रहो, यानी इवन PhD को पढ़ाने वाले जो लोग हैं, कॉलेजों में केवल विजिटिंग फैकल्टी लगा के वो कॉलेजेस शुरू कर रहे हैं, और शुरू है ये कई सालों से, इंस्पेक्शन के लिए AICT कमेटी UGC वगैरह आते हैं, उसके बाद में वो फुल स्केल पे ये है वो है बता देते हैं, यानी वो कागजों पत्र ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये पूरा नहीं होता है असल में। और एक बात है, इवन एम्स, IIT, IIM जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे भी उनकी फैकल्टी की जो है क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन फैकल्टी 4000 वैकेंसी है, अगर वहाँ पे भी अगर वैकेंसी रहेगी तो ये किस गर्व से कह सकेंगे कि हमारा एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से शुरू है। आपको क्या लगता है आज का जो वर्तमान के दौर में जो चल रहा है एजुकेशन का जो दायरा जो चल रहा है, क्या आपको लगता है कि बच्चों को सही ऊंची जो शिक्षा हासिल हो रही है उनको? देखिए हर जगह टीचर्स तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि घर की परिस्थिति के ऊपर वो रहता है, कि जैसे अगर वो गरीब घराने का रहा तो वो ऊंची शिक्षा ले सकेगा या नहीं ये सोचना पड़ता है उसको, कि अगर 56,000 पर सेमिस्टर उनकी फ़ी है इंजीनियरिंग की, तो मैंने देखा है कि बच्चे ने ड्रॉप आउट किया है और वो बाद में BA या BSc जहाँ पे 4000 और 3000 फ़ी है वहाँ पे वो जा रहा है। मैंने ये अपने खुद आँखों से देखा और यानी सुना भी, बहुत बहुत जगह से। इस बात का आपको दुख है? या तो मुझे बहुत बुरा लगता है,
बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा डॉक्टर उरकुड़े साहब ने कि इस प्रकार का जो एक मलाल है वो जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जो शहर के जो विद्यार्थी है उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पैसे को लेकर कई बातें ऐसे आती है, मगर सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं लाना चाहिए कि हर धर्म का लड़का हो, कोई जाति का हो, कोई भी तबके का हो, हर किसी को शिक्षा उन्होंने लेना जरूरी है और उसके लिए सरकार ने उन्हें ढेर सारी मदद करना चाहिए। महज कागज़ों पे लिखने से काम नहीं बनेगा, तो हमें उसके ऊपर में इम्प्लीटेशन करना होगा, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मगर आज का दौर जो है कुछ लोग अच्छे से एजुकेशन ले रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे जो है कुछ अभिभावक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा क्या सादी शिक्षा भी दे पाने में पूरी असमर्थता वे व्यक्त करते हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं है। इस ये काफ़ी गंभीर विषय है, पढ़ना चाहिए हर कोई कहता, लेकिन पढ़ना किस बेस पे चाहिए, क्या उन्हें सहूलियत मिलती है, ये सरकार का काम है, सरकार ने देना बेहद ज़रूरी है, तब कई हमारे शहर के हमारे देश के बच्चे पढ़ पाएंगे, और बच्चे यदि हमारे शिक्षित हो जाए तो यकीनन हमारा देश भी मजबूत और शिक्षित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसे कि सर ने एक बात का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया, कि दिल्ली की जो स्कूलें हैं हमारे नागपुर के, हम नागपुर का ही सबसे पहले बात करेंगे कि नागपुर की जो NMC की जो स्कूलें होती थी, कई लोग पढ़े, हम भी पढ़े हैं, आप में से कई दर्शक भी उनमें पढ़े हो, आज जो लचर हालत बनी है NMC की, तो वहाँ पे आज व्यापार हो चुका है उरकुड़े साहब। और वो मैं कुछ कहना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली की यदि स्कूलें देखा जाए तो वहाँ पे वाईफाई से लेके तमाम सहूलियत आम आदमी पार्टी के केजरीवाल इन्होंने दी है। अच्छा, वेरी गुड, या पार्टी कोई भी हो, काम करने वाले व्यक्ति का नाम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आप कुछ फरमाना चाहते थे, आप क्या कहना चाहते थे? देखिए, मैंने देखा कि बहुत सारे NGOs नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका CSR रहता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि प्रॉफिट में से 2% दे हैव टू शेयर कंपलसरी, वो देना चाहते हैं। 8,000 करोड़ अभी भी उन्होंने दिए नहीं क्योंकि उनको एबल NGO मिली नहीं। बहुत सारी NGOs हैं जो एजुकेशन फील्ड में काम करती हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मिसमैनेजमेंट होगा, हमारा पैसा बराबर जगह नहीं जाएगा, ऐसे उनको लगता है। तो ये जो है पैसे, वो लगा के एजुकेशन में उनके उनको ना केवल वाईफाई और ये सारी चीज़ें नहीं, उनका पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होना चाहिए हर बच्चों का। बट दे डिडंट गिवन, बट क्या होता है कि उस टाइप के NGOs भी सामने आने चाहिए, अगर सामने नहीं आए तो सरकार ने ही पहल करनी चाहिए, प्रोएक्टिवली होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर प्रोएक्टिवली, इसका मतलब है कि ये तो 24/7 वाला काम हो गया कि सातों भी दिन और 24 घंटा करने वाला काम है एजुकेशन का, घर घर में क्यों नहीं पहुंच सकता? अगर पोलियो ड्रॉप्स 130 करोड़ लोगों के घर में जा सकते हैं तो एजुकेशन क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है, उस मोहल्ले में 2-4 टीचर रख दिए, वो जाके वो मोहल्ले मोहल्ले में जाके पढ़ा सकते हैं। और कुछ जमाने पहले कि सीनियर लोगों का भी एजुकेशन होता था, वैसे भी हो सकता है। आजकल तो पालक एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को सुबह भेजते हैं अपना ट्यूशन को, दोपहर में भेजते हैं स्कूल में, और शाम को फिर से ट्यूशन, वो पेरेंट्स का ही यानी अभी एजुकेशन करने की ज़रूरत आई है, ऐसा मुझे भी लगता है। उसके बाद में आप देखिए कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार बहुत बात कर रही है इस बार, पहले भी 50 साल से ये चल रहा है कि स्किल डेवलपमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन अमल कितना हुआ है? लेकिन क्या होता है कि आप देखिए कि आपने डिग्री निकाली, दैट डिग्री इटसेल्फ शुड बी एम्प्लॉयबल, कि जो डिग्री दे रहे वही एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तारक होनी चाहिए, केवल डिग्री नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐसे सारे चीज़ें पढ़ानी चाहिए लेटेस्ट, कि जिसके कारण आदमी ना केवल पढ़ा लिखा हो, वो एम्प्लॉयबल भी हो और पूरी दुनिया को भी लेके चल सके, ऐसे टाइप का एजुकेशन चाहिए। और फिर लोग बोलते कि अपना फिर गुरुकुल सिस्टम में जाओ, या फिर फिनलैंड में देखो, जापान में देखो, सब बच्चों को सारा पूरा बर्तन मांजने से लेके सब कुछ, खुद का खाना पकाने से लेके सब कुछ किया जाता है, उनको होमवर्क नहीं रहता है, यह हर जगह अलग अलग रहता है सर। हमारे यहाँ के लोग नासा में लेके कहीं भी कितने सारे जगह 36% साइंटिस्ट आर फ्रॉम नासा, IITs, एम्स, ये सारी चीज़ें हम लोग हरदम प्राउड फील करते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। हमें अभी पूरे सारे जमाने को, पूरे 130 करोड़ जनता की बात करनी पड़ेगी। सही बात, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा इन्होंने सुझाव दिया है सर। एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता कि सॉल्यूशन
ये जो आपकी जो किताब है सॉल्यूशन मास्टर, जो लोग आम जो जनता है उनको तो उनके कामकाज में आती है, लेकिन आपका ये सॉल्यूशन मास्टर जो किताब है राजनेताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताइए। अभी आप देखिए, कल जैसे आपने पूछा कि महाराष्ट्र में 4 या 5 दिन का अधिवेशन है, तो ऐसे लगता है कि वहाँ के मंत्री लोग यहाँ पे केवल 4 दिन के ट्रिप के लिए आए हैं। ऐसा नहीं, गवर्नेंस जो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखो जिसमें सब कुछ आता है जी, कि सुबह 5 बजे उठ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उठेगा, पहले अपने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले उनको सारी चीज़ें पूछेगा, 5 बजे पूरा उन्होंने उनका टाइम टेबल दिया है कि मिनिस्टर लोगों ने कैसे रहना चाहिए, गवर्नेंस में कैसे करना चाहिए, ठीक है। कि ऐसे केवल प्रोजेक्ट नहीं करने चाहिए जिसमें केवल नाम हो कि मैंने ऐसा काम किया, देखो दिख रहा है, अरे बाबा लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं, बाद में बिजनेस डूब रहे हैं, खेती बाड़ी वाले लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अभी तो ऐसे लगने लगा है कि सारी दुनिया खुदकुशी की तरफ ही बढ़ रही है, मानव जाति पूरी, क्योंकि एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ। मुझे जैसे पहले बोला था कि ऐसे फेंक दिया कोई किसी को दिख नहीं रहा, मुझे तो हर जगह भगवान दिखता है, मैं ऐसे चोरी करूँ या ऐसे फेंक दूँ कैसे करूँ। ऐसे हर किसी का मॉरल अवेयरनेस और कॉन्शियस जागना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने प्रॉब्लम्स रखने के बजाय, उसके ऊपर राजनीति करने के बजाय सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तभी 2030 में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत विकास लक्ष्य, साध्य कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम दिन ब दिन पीछे पड़ते जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, सारे जो जनता है वो खुश नहीं रहेंगे, और खुश नहीं रहेंगे तो फिर मन में वो उनका ये चलते रहेगा, आक्रोश चलते रहेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो नेता रहते वो यानी अपने जनता को खुश रखने के लिए रहते हैं, उनके सारे काम करने के लिए रहते हैं, और जो IAS जो ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं वो लीडर्स के तो रहते ही है काम करने के लिए, लेकिन सामान्य जनता के लिए भी रहते हैं। सर ऐसा भी एक देखने में आया है कि अधिकांश जो योजनाएं जो होती है, हाँ, सरकार जो है, हाँ, वो उन्हीं लोगों के एक्सेप्ट करती है जो उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेटिज्म, हाँ, तो मेरा एक सवाल ये आपसे है कि आपका ये जो सॉल्यूशन मास्टर की जो योजनाएं, जो किताब के माध्यम से जो जनजागृति करना चाहते हो आप, और देश को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है, क्या ऐसे शहर के कौन से नेता के पास आपका उपक्रम या आप ये किताब लेके उनके पास गए हो कि ऐसा ऐसा मेरा ये कुछ प्रोग्राम है, ये डायग्राम है, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ? यस, देखिए ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जिनके पास मैं गया नहीं हूँ। अच्छा, भारत में ऐसे कोई भी यानी नागपुर के नेता नहीं जिनके पास मैंने ये भेजा नहीं है या इसके बारे में बताया नहीं है जी। लेकिन क्या होता है कि पॉलिटिकल एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा और उनके पर्सनल एजेंडा, ये सारे मैच नहीं होते। मैंने ये यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशंस में भी बोला है कि भाई ये जब पॉलिटिकल एजेंडा, पर्सनल एजेंडा और ये सारे एजेंडा जब मैच होंगे तभी हम लोग वहाँ तक सॉल्यूशन मास्टर का उपयोग हो सकेगा कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि ठंडे वस्ते में 20 सूत्री योजना, ठंडे वस्ते में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठंडे वस्ते में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, ठंडे वस्ते में सब चला जाएगा, लेकिन उससे मानव जाति का ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। तो इसलिए नेताओं ने प्रोएक्टिवली ये सारे काम करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता दूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी का प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोवाइस चांसलर था, यहाँ पे मैंने देखा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वो जा रहे, वो क्या बोलते हो, रिबिन काट रहे, कहीं जाके उद्घाटन कर रहे, कहीं जाके ये कर रहे, कहीं जाके वी वेर इन्वॉल्व इन आवर ओन जॉब। हमारा जॉब इतना परफेक्ट था कि एक आदमी एक पैसे की चोरी नहीं कर पाता था, क्योंकि प्राइवेट में ये हो ही नहीं सकता, राइट, ठीक है। दूसरी बात, हमारे सारे बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो करने का वो भी जवाबदेही होने चाहिए कि उनको भी ये जो है ये पॉइंट्स है, ये मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, ये किया, ये नहीं किया, तो दे आर नॉट लीडर्स, दे शुड वॉक द टॉक। आपने बातों बातों में वो बात कहने का टाल दिया, मेरा सवाल ये था कि आप कौन से मिनिस्टर के पास या कौन से नाम बताइए ना, कौन से राजनेता के पास आप ये लेके गए? देखिए, नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बात है कि मैं इतने सारे लोगों के पास गया हूँ
कि सबके नाम लिए तो पूरी लिस्ट यानी ये हो जाएंगी, क्या सबने दरकिनार कर दिया है तो सॉल्यूशन मास्टर इस विषय को लेके, या यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या मेरे जो सजेशन है हाँ। सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने तो मुझे अपॉइंटमेंट तक नहीं दी। मैं 3 दिन कंटिन्यूस गया, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र रहो या इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर रहो, अच्छा, उनके पास गया, नहीं अभी ये नहीं है, और बाद में देखा कि वो नीचे आ रहे और जा रहे हैं, लेकिन वो ऑफिस में ही है लेकिन बता रहे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। आई मीन मैंने उनको बताया कि भाई आई जस्ट डोंट टॉक ओनली विद मिनिस्टर, आई टॉक विद द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, इवन देन मैं आई टॉक विद द वर्ल्ड बैंक चीफ्स, उनको के सामने भी ये सवाल रखे, उनको भी मैंने ये सब किया है। तो वो बोलते कि ऐसे बहुत लोग आते हैं, यहाँ तक किसी एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस ने कहा है ये तो ही नहीं। हाँ, तो मैंने सोचा कि भाई इससे अच्छा कि मुझे अपने को खुद को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि आई शुड बी एबल टू कन्विंस देम, मैं उनको ऐसे बता सकूँ कि भाई ये बोलना चाहिए कि भाई हाँ ये जो कर रहा है वो ठीक है और ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मैं खुद के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आदमी अगर आया है तो हर कोई यहाँ पे छोड़ के जाने वाला है, लेकिन क्या करके गए वो इम्पोर्टेंट है, हर कोई मरने वाला है, एवरीबडी इज मॉर्टल, या इट इज ट्रू दैट आई कैन सी गॉड एवरीवेयर, मैं भगवान हर जगह देख पा रहा हूँ, भगवान हर चीज करता है, ठीक है, एट द सेम टाइम मैं मॉरल वैल्यूज छोड़ नहीं सकता। तो इतना कॉन्शियस जागरूक हुआ तो सारे लीडर्स काम कर सकेंगे। बिल्कुल, और डॉक्टर आशय उर्कुड़े इन्होंने बताया कि ये कई राजनेताओं के पास पहुंचे अपना ये सॉल्यूशन मास्टर किताब जो इनकी जो है, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास भी, और उन तमाम लोगों ने इनके बातों को दरकिनार कर दिया, इनको कोई तवज्जो नहीं दिया, जिसके चलते एक प्रकार से इनकी तोहिनी की गई। लेकिन डॉक्टर साहब आपका ये जो उपक्रम है ये समाज के लिए हर तबके के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप हमें यह बताएं कि आपका ये जो सॉल्यूशन मास्टर जो किताब है लोग अगर पढ़ना चाहे तो कहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि तमाम दर्शक इस समय आपको गौर से देख भी रहे सुन भी रहे। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जाते जाते मेरे तमाम दर्शकों को इनविशन के आप क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे बताइए। एक चीज़ मैं पिछले इसमें बताना भूल गया कि मिनिस्टर्स और ये सारे लोग तो आते रहते जाते रहते, लेकिन ऑफिस में जाके बात करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो मुझे तो सॉल्यूशन मास्टर किताब जो है एक IJORD ग्रुप नाम की वेबसाइट है जी, IJ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप, मैंने ग्रुप बनाया था कि जिसके तरफ से ये किताब पब्लिश की गई। आपको वो भी बताता हूँ क्यों पब्लिश की ऐसे वेबसाइट निकाल के, मैं 40 पब्लिशर के पास गया दुनिया के सबसे बड़े, ओके, उन्होंने रिजेक्ट किया ये पब्लिश नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू द हुम यू शुड नॉट आस्क द क्वेश्चन, आप उनको सवाल कर रहे हैं जिनको सवाल पूछना नहीं चाहिए। बोला वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी आदमी है, मैं भी आदमी, मैं उनको सवाल क्यों नहीं कर सकता, वो मुझे कर सकते, क्या मैं उनको सवाल नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी, इट इज़ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। या तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं वो कंपनी का भी नाम नहीं लेता क्योंकि इंडिविजुअल और कंपनी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, okay. लोग ये जो है ये सारे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो एक जगह उनके गया, उनके पास गया तो बोले कि अरे ऐसा किताब है, यू डोंट नो हाउ टू राइट द बुक, सर आई रोट 42 बुक्स, मैंने 42 किताबें लिखी है, नहीं इसमें प्रीफेस नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बोला कि सर आई वॉन्ट टू पब्लिश इन दिस फॉर्मेट ओनली, इसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे हम 10वीं 12वीं में या इंजीनियरिंग में जैसे नोट्स पढ़ते हैं कि खुद के निकाले हुए नोट्स है, वैसे ये किताब लगती है, तब हर कोई देखेगा अरे 40 पेजेस की किताब क्या पूछा, वाह क्या सवाल है यार, ये तो सवाल नहीं, ये तो एटम बम वाला सवाल है, क्वेश्चन बम बोलते हो लोग। अब दर्शक कैसे पढ़ सकते इसको, बता रहा हूँ। तो फिर मैंने ये पब्लिश किया और इसको ISBN नंबर वगैरह भी लिया, IJORD वेबसाइट पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF फाइल में वे किताब है। दर्शकों गौर फरमाइए, सर जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, अगर आप भी किताब ये पढ़ना चाहते हैं तो मैं सर से पुनः एक बार गुजारिश करूँगा, सर आप फिर से एक बार ये बताइए। अगर गूगल में आप नाम डालते हैं डॉक्टर आशीष मनोहर उर्कुड़े सॉल्यूशन मास्टर किताब, तो नंबर 3 पे ये किताब ही आती है। पहला मेरा एक इंटरव्यू आता है, दूसरा मेरा यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक का और एक वेबसाइट आती है, और उसके बाद में IJORD वेबसाइट आती है IJORD.in, वहाँ पे सॉल्यूशन मास्टर किताब है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना डाउनलोड करके PDF फाइल करके आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ये एक फ्री किताब है, 15 करोड़ लोगों ने 177 देशों में पढ़े, आप भी पढ़ सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं
डिस्कस कर सकते हैं और सबको जन जागृति करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं। सर 177 देशों में गए, 177 देशों में से 15 करोड़ लोगों से ये रूबरू हुए और अपना विषय जो है उनके दिल तक इन्होंने पहुंचाने का बहुत अच्छा काम किया, मगर वहीं कुछ राजनेताओं ने इन्हें दरकिनार भी किया, इनको इनकी तोहिन की और इनको जो तवज्जो नहीं दिया गया वो एक अलग बात है। लेकिन सर मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आज INBCN के माध्यम से ये तमाम जो लाखों की संख्या में जो दर्शक INBCN के वो आपको गौर से देख भी रहे सुन भी रहे, ये यकीनन आपका सॉल्यूशन मास्टर किताब को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वो भी अपने आप में कुछ अच्छा अपना लाइफ जीवन संवर्धन अच्छे से कर सकते हैं। और जिस प्रकार की आपकी ये कोशिश रही मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दर्शकों खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपसे डॉक्टर आशीष उरकुड़े साहब, अगली बार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हम और पर्सनैलिटी से आपसे रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात और आप देखते रहिए INBCN न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।